अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद भाई। गरीब नवाज सरकार इंशाल्लाह। बस सरकार बुला लिया, हमारी वही इच्छा थी। अल्लाह हाफिज से पहुंच जाए हम इंशाल्लाह। हाफिज से आ जाए इंशाल्लाह। और जल्द से जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो गरीब नवाज में इंशाल्लाह। ये हमारे भाई मुकीम सिद्दीकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं अजमेर की तरफ, इंशाल्लाह शरीफ की तरफ। जो हमारी जर्नी है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो चुकी है। और हमारे सारे अजीज एक साथ हैं। एक साथ हैं। और काफी मतलब ये गरीब नवाज का बुलावा था और हम बस जा रही है इंशाल्लाह। ये सडन प्लान था जो सक्सेस हुआ है। मिस्टर रावल साहब अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्त बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आएगा। और बचपन से प्लान बना रहे थे हम लोग कि अजमेर जाएंगे सब साथ में बचपन से, लेकिन बचपन में अभी प्लान कामयाब हो रहा है। ऑल ऑफ सडन प्लान बना, सब एग्री हो गए। मिस्टर हमारे और हमारे मेरे साथ गाड़ी में पहनते। मेरे साथ गलत हुआ भाई, इन लोग ने मेरे को रात में 2 बजे उठाए, बोले मैटर हो गया। और मैटर ये हुआ, बाहर जाके मालूम पड़ा अजमेर जाने है। अभी क्या करेंगे, नींद खराब करके बुलाया तो जाना पड़ रहा है। धूप का चश्मा गाड़ी में पहनते, ध्यान रखना। वो क्या थोड़ी आँखों का नजर का चश्मा टनाटन बना के लेके आने की। इनके अब्बा से गुजारिश है वापिस कराई जाए। हमारे डागा साहब, हमारे इरफान भाई। अरे सलाम तो करो पीछे आपकी। नहीं ये इनका कैसा है कि ये सोच रहे अजमेर तक जाओ नहीं जाओ, पर आपका जाना कहाँ तक होएगा? आपका कहाँ तक जाना होगा भाई? घाट के ऊपर तक जाएंगे। घाट के ऊपर तक जाएंगे जी जी। और हमारे अजीज दोस्त जो नए दोस्त बने हमारे इमाम साहब, हमारे घाट के ऊपर रहने वाले कुछ अभी नए दोस्त बने हमारे। आज का पहला दिन है दोस्ती का, तो भी शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह चलो आगे तक के लाए हैं। असल में दोस्त बनना नहीं चाह रहे थे, पढ़ाया गया है। जबरदस्ती के दोस्त बनाए गए। तो गाइस हमारे उनका मिलने का रीजन ये था कि हमने जो ओला बुक किए थे तो वो अजान से 10 मिनट पहले की बात थी, उनको नमाज पढ़ना था, तभी उनने मना किए थे भाई। मेन रीजन ये था, बाकी उनने बोले जब तक मिलेंगे तब तक तुम्हारे साथ है, कब तक साथ में। इधर से डायरेक्ट अजमेर चलो चाचा। चाचा तेरे से छोटे हो। अच्छा भैया भाईजान। तो इंशाल्लाह सफर कामयाब हो हमारा। निकले अभी हम लोग फाउंटेन होटल की तरफ, बस का इंतजार है, बस से जाएंगे। ट्रेन की टिकट निकलते निकलते हमारी रह गई, कैंसिल हो गई ना, वही चीज का अफसोस है। लेकिन अब क्या है, अभी कोई बात नहीं, आने के टाइम पे ट्रेन से आएंगे ना। ट्रेन नहीं तो प्लेन कुछ तो आएंगे। ट्रेन को प्लेन बना देंगे। वापस तो आने का ही है। और आदमी काम पे जाने हैं, 1 तारीख को आने का ही है। तो गाइस मिलते हैं फिर अभी फाउंटेन होटल पे उतर के। और हमारे जो डागा साहब है इसको भी दिखा दो, ये पॉकेट में दिखा, ये पॉकेट में दिखा, हमें डागा साहब है। ये एक जो डागा साहब है, एक बंदा है जो जबरदस्ती की सीट लेके बैठा है हमारी, हम लोग पीछे कुछ कुछ के बैठे। उनका ऐसा है कि वो फ्लाइट कभी मार के आ सकते हैं। अच्छा ऐसा, फाउंटेन से फ्लाइट मारेंगे? ये देखो मैं दिखाता हूँ कौन है। देखो ये आदमी है, ये आदमी जबरदस्ती हम लोग की सीट लेके बैठा है, जाता भी नहीं है। हम इंतजाम नहीं करते तो तुम लोग गाड़ी में भी बने बैठ। ये बात भी सही है, भाई की मोहब्बत बहुत है, भाई थोड़ा हलकट है लेकिन मोहब्बत बहुत है। मैं थोड़ा अभी 2-3 चीज और भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या वीडियो है, लेकिन मोहब्बत बहुत है उसको, बहुत मोहब्बत। नहीं नहीं लेकिन इरफान को भी आना था, लड़का बहुत ही रहा है, काम के मसले की वजह से नहीं आ पाया भाई। इतना हीरा है, बाकी सब समझ जाओ क्या है फिर। हम बोलते ना पूरा। चलो भाई मिलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर रावल सर जी। भाई आपकी मंजिल कहाँ तक पहुँची है? देखो अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुँचे हैं, अभी गुजरात एंटर करेंगे जी। अभी खाना में क्या खाया आपने? 7:15 बजे हम लोग फाउंटेन से बैठे थे, पीठ दुखने लग गई है। बस का सफर नेक्स्ट टाइम नहीं, ओनली ट्रेन। अभी हम लोग है ना महाराष्ट्र बॉर्डर, बस का सफर करना भी नहीं चाहते थे, वो तो खैर एक मजबूरी थी टिकट कैंसिल की वजह। बिल्कुल बिल्कुल। इतने प्यारे चांद के साथ मिस्टर रावल सर, रज्जब का चांद इंशाल्लाह कुछ दिन के लिए है अभी, और दिन बचे जब के लिए। तो हमने खाना खाया है श्री शिव शक्ति होटल में। श्री शिव शक्ति यहाँ दिखा सकते हो नाम तो ये ओके है, श्री शिव शक्ति में।
ये हमारे मिस्टर मुकीम सिद्दीकी। यस सर। हाँ जी। आपकी मंजिल कहाँ तक आई है? हमारी मंजिल आई है भाई होटल शिव शिव शक्ति पे, जहाँ पर हमने अभी खाना खाया है जी। और अभी देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। जाना वैसे अजमेर है, लेकिन देखते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा है। आवाज नहीं आएगी उसकी गाड़ी के बाद में मस्जिद जाए। हाँ अदनान भाई कुछ बोल रहे थे, आपका कोई सवाल नहीं? बस इतना बस था भाई, बस था। मिस्टर यस सर अंसारी। यस सर जी। प्रेजेंट उड़ाते। यस सर प्रेजेंट सर। आपको कैसे फौज में भर्ती नहीं कर रहे, ऐसे सवाल का जवाब पूछ रहे? सवाल पूछिए सर। कैसे क्या हमारे जो मिस्टर फादर रावल है, वो उनके बारे में कुछ? नहीं भाई बेकार आदमी है, उसने बोला था पार्टी दूंगा, अभी तक दिया नहीं। 400 घंटे। तो गाइस ये हमारी बस है, एसी बस है, लेकिन अंदर सच में ट्रेन में जो मज़ा है वो बस में मज़ा नहीं है। मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं, हमारे टिकट नहीं हो पाया इसके लिए। बाकी खैर जो भी है इंजॉय तो करना है। हम लोग बॉर्डर पे अभी सूरत एंटर करेंगे, ये हाईवे है। ये होटल श्री शिव शक्ति पे हमने खाना खाया है, फ्राई काजू पनीर हमने खाना खाया है, दाल फ्राई और रोटी, मज़ा आ गया। बाकी अब यहाँ से हम सफ़र करेंगे आगे और आपको बताते रहेंगे क्या क्या हमने एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ रुके, उसके बाद में फिर गरीब नवाज पे जाके वहाँ का दीदार कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए भाई अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे गाड़ी के जो बस के खास हीरो, ठीक है, और ये इनका खास दोस्त। ये लोग भाई डिस्ट्रिक्ट में मिस्टिक करके हम लोग को छोड़ के भाग गए थे। हम लोग के भाई कम दिल का, और ये आदमी मेन रोल ये आदमी का, आते समय ये आदमी ने भाई बस लेके आए हमको। बहुत तकलीफ है, एक कमजोर दिल का आदमी मर जाता। अरे भाई कहा के दिल खाना खा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये सुबह का नज़ारा है जो तकरीबन इस वक्त पे 6:57 हो रहा है। ये हमारे मुकीम भाई, ये राकिब भाई हमारे, जो अभी सुबह के नियारे ले चुके। कल रात में असल में जब हम बस में चले तो ब्लू थी, अचानक से नाइट में चेंज हो गई, ग्रीन हो गई। हाँ ये हमारे ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर ने काम काफ़ी बढ़िया किया है। अभी हमारा ड्राइवर चेंज हुआ है। अरे शर्मा आ गई ये हाय हाय, और ये घबरा गई ये हाय हाय। अभी हमारे भाई चेंज हुए, एक भाई हमारे भी सोएंगे, दूसरे भाई भी जागे। तो अभी हमको इन्होंने बोला है कि 8:30 नाश्ता कराएंगे, अभी क्या कराते देखो। ठीक है बस। ये हमारे मिस्टर रावल, रावल साहब आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बहुत तकलीफ हो गई, आधी रात में उठ के बस चेंज हो गई। तो कैसा है कि आप इंजॉय के लिए आए थे, वो जो मौसम कैसा लग रहा है वो छोड़ो, तकलीफ तो जिंदगी में कबर में जाता तकलीफ है उसको तुम छोड़ो, मौसम तो बहुत जबरदस्त। ठीक है बहुत जबरदस्त। आपकी ये ऐसे मौसम जानवर लाना कैसा है तुम्हारे लिए? नहीं 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 ना। और ये इस वक्त पे ढाबे पे रुके हम, जो बाकी जो भी आगे कहानी आपको बतानी फिर चलानी। ट्रैफिक है ऐसा सुनने में आया। लेट्स सी, अभी तो हाईवे है,
अभी तो हम लोग जा रहे हैं, अब आगे पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। शाम में 4 बजे का टाइमिंग था, लेकिन अभी हमारे ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि कुछ भरोसा नहीं है, अगर स्ट्राइक रहा तो उन्होंने कहा कि मैं भी चले आऊँगा और चाबी दे दूंगा, तो हम लोग चला के चले लेके चले आएंगे बस। क्या बोलते भैया, सही है ना? क्या बोलते, चाबी दे दोगे ना फिर? चलो कोशिश के देखते, नहीं मिले ट्रैफिक तो अच्छा है ना, पहुंच जाएंगे टाइम पे। हमारा छोटा मोटा यूट्यूब पे चैनल है, हम वीडियो डालते रहते हैं। यूट्यूब पे डालते रहते लेट्स सी गाइस। ये देखिए बहुत क्लाइमेट बहुत ही ज़बरदस्त है, ठंड है, मज़ा आ रहा है। बस खाली थोड़ा टाइम पे पहुंच जाए तो थोड़ा हम लोगों को भी वहाँ पे टाइम मिले घूमने के लिए अजमेर में। लेकिन अगर लेट हो जाएंगे तो फिर बाद में ये आज का दिन चलेगा और कल का भी टिकट का इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, ये हमारा सफ़र है। बाकी रोड बहुत ज़बरदस्त है गुजरात के। हाँ ये देखिए, ये वाइट स्टोन देखिए, यहाँ पे सब वाइट स्टोन है, यहाँ के पानी भी में भी वाइट स्टोन है। क्लाइमेट बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं जाता हूँ अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा स्लीपिंग कैबिन कैसा है। चलो भैया गुड नाइट, देखते नींद आती है। लाइट वगैरह तो सब लोगों ने बंद कर दिया है। स्लीपिंग हम लोगों को मिला है बेड, ये बहुत अच्छा है, कंबल वगैरह भी दिया है। और बीच में बस हमारी चेंज हो गई, पहले दूसरी बस से आए थे और अब ये दूसरी बस है। वो बस में कंबल वगैरह कुछ भी नहीं था, ठंड से हम लोग कांप रहे थे। हाँ इसमें ये चीज़ बेस्ट है कि हम लोगों को कंबल वगैरह मिल गया है। तो ये हमारा कैबिन है नीचे का और ये ऊपर का एक कैबिन है हमारा, सोए बस हो रहे हैं। तो ये कैबिन है वो हमारी जगह, हम वहाँ सोएंगे। और यहाँ पे यहाँ नीचे अदनान अंसारी साहब सो रहे हैं। अदनान अंसारी साहब देखिए कैसा सो रहे हैं, देखिए रात भर सोने के बाद भी इस तरीके से सो रहे हैं कि 4 दिन से सोए नहीं है। देखिए देखिए इन आरोपी को, बस वालों को परेशान किए, कंडक्टर को परेशान किए, सबको परेशान करके सबको बातों में उलझा के सब वहाँ पे टेंशन में। और ये देखिए यहाँ सो रहे, देखिए अरे हाथ तो दिखाइए। हाँ सोइए सोइए। ये है बस के इस अंदर का सीन और अभी हम जा रहे हैं सोने। देखते कोशिश करते नींद आती है, क्योंकि 3-4 बार तो रात में उठा दिए ड्राइवर लोगों ने, बस चेंज कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ तो थोड़ा तो सोऊंगा ना मैं भी भाई, रोज पीछे सोया नहीं हूँ बराबर से। ठीक है चलिए फिर, कहीं स्टॉप मिलता है तो वहाँ का सीन भी आपको बताएंगे, थोड़ा आराम करते हैं। ओके हेलो गाइस, सुबह दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक हम लोग सफ़र में ही हैं और तीसरे बार हम लोग ने थर्ड टाइम बस चेंज किया है। और इस बार तो हम लोग को एकदम लास्ट सीट दिया है उसने, तो बस इतनी जंप कर रही है ना कि हम लोग सर पे लग रहा है ऊपर, और इसकी हाइट भी कम है, तो बहुत थक गए गाइस। और ये ट्रैवल जो बस ट्रैवल है उसका नाम है फोर हैंड्स ट्रैवल। कभी नहीं जाना ये फोर हैंड्स ट्रैवल से, रात के 3 बजे उठा के भी बस चेंज करेंगे, सुबह में भी बस चेंज करेंगे, दोपहर में भी बस चेंज करेंगे, जब इनका मन किया, जब पैसेंजर कम रहे बोले वो ये बस में पैसेंजर है जैसा, मतलब कुछ है ही नहीं वैल्यू तुम्हारी, तुमने टिकट के पूरे पैसे दिए उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बस कभी चेंज करेंगे। फिर इनके पास लगेज होता है पूरा बैक साइड, वो पूरा लगेज निकालेंगे, वो एक आधा पौना घंटा लगेगा उसको 30-45 मिनट्स पूरा शिफ्ट करने के लिए, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट। ऑलरेडी बस लेट है और ऑलरेडी सुनने में आया है कि आगे कुछ स्ट्राइक है, तो ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो वो लेट होने ही वाले हैं। तो
सर्विस तो बहुत बेकार है। फोर हैंड्स www.fourhands.com ऐसा बस के ऊपर लिखा हुआ है, ये नाम है। ये बस ट्रैवल कभी नहीं करना, बाकी दूसरे बस का तो पता नहीं, पर हम लोग फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल करें, एक्सपीरियंस बहुत बैड एक्सपीरियंस है। तो गाइस देखते हैं अभी कब पहुँचते हम लोग बस की ट्रैवल में। रिटर्न का भी टिकट नहीं हो पाया है, अब उसके बारे में भी देखना है अजमेर पहुँच के ही कि कब मिलती है रिटर्न की टिकट। कुछ फ्रेंड्स को काम पे जाना है ट्यूसडे को, किसी के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, तो ये भी प्रॉब्लम है। लेट्स सी क्या होता है, शेयर करते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर नगरिया। जी हाँ, पहुंच चुके हैं। और बहुत ठंडी है यहाँ पे, शाम का टाइम है अभी 6:30 बज रहे हैं और इतनी ठंडी है, रात का क्या आलम होगा। नाश्ता पानी भी हो गया है, ये होटल में हमने नाश्ता किया है, पकोड़े और चाय पिए, बहुत ज़बरदस्त पकोड़े थे, गरम गरम मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था पकड़ो, मज़ा आ गया। अभी हम लोग ये टमटम में बैठे और जा रहे हैं होटल की तलाश में, हम निकलते हैं और देखते हैं कैसा होटल मिलता है हम लोगों को। होटल में जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद में इंशाल्लाह जाएंगे दरगाह पे। चलो मिलते हैं फिर, होटल का भी आपको दीदार कराते हैं, होटल में क्या है, क्या है, कैसा है।